एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हाँ, ये इनकी आवाज़ है, इग्नोर। तो आज मैं कुछ अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। वो सस्ते तो है पर अच्छी क्वालिटी के भी है और अच्छे ब्रांड के भी है, तो वो भी अंडर 300 रुपीज़। 300 से एक भी रुपया ज़्यादा नहीं देना है। वैसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसको देख के आपको लगा होगा कि हाँ, इतना बड़ा क्या है, पर किसी किसी को देख के पता चल गया होगा कि ये मेकअप ब्रश का सेट है। ये मुझे अराउंड अंडर 300 में मिले, वो भी ऑनलाइन से, और इसमें इतने सारे ब्रश है। इसको देख के किसी को लगेगा कि मैं ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बहुत अच्छी वाली, पर नहीं, मुझे मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता है। और ये इतने सारे ब्रश है, इसको देख के ही मुझे मेकअप करने का मन हो जाता है कि हाँ चलो इसका यूज़ कर ले। और पूरा ब्लैक है और मैट फिनिशिंग में है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और ये सॉफ्ट भी है, और मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ पर ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो ऐसे ब्रश में इन्वेस्ट करो, ना कि 4 या 5 ब्रश में अलग से इन्वेस्ट करो, उससे अच्छा ये पूरा सेट ही ले लो कि सारे ब्रश मिल जाए। तो नेक्स्ट मैं ये 2 आई शेडो पैलेट के बारे में बात करती हूँ। ये मार्स की है, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ली थी, हाँ, पर ये अभी एक्सपायर नहीं हुई है। इसमें इतने सारे शेड है, ये भी अंडर 300 रुपीज़ में आया है। इसमें ग्लिटर वाले शेड भी है और मैट फिनिशिंग वाले शेड भी है। और ये सेकेंड वाली है, इसके कलर डिफरेंट है। देखो, इसमें ये वाले कलर थे तो मेरे पास ये वाला कलर नहीं थे, ये से सब कलर, तो मैंने इसको भी ऑर्डर किया। इसके अंदर एकदम शाइनी वाले कलर्स है और मैट फिनिशिंग वाले भी कलर्स है, पर इसमें येल्लो और वो सब कलर नहीं थे। तो उसके लिए भी एक और पैलेट है, ये हिलरी हुडा का है। ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और इस पर्पल, ब्लू और अच्छे अच्छे मस्त मस्त क्यूट कलर। तो ये 2 पैलेट अफोर्डेबल भी है और साइज़ में भी छोटी है। हम कहीं बाहर जाए तो ये हम कैरी कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। बाकी पैलेट इतनी बड़ी बड़ी होती है। अच्छे अच्छे ब्रांड में भी कम प्राइस में प्रोडक्ट मिलते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं अपने। तो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ ये फाउंडेशन की। ये लैक्मे का है और ये मेबलिन का फिट मी। ये मेबलिन का फिट मी तो इतना ज़्यादा फेमस है कि इसे हर कोई जानता होगा, हर बिगिनर लड़की ने इसको यूज़ किया होगा। मैं तो अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, अच्छा है और बहुत अच्छी फिनिशिंग भी देता है, बस और क्या चाहिए। और इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट शेड आते हैं। हाँ, ये लैक्मे वाले में शेड आते हैं कि नहीं ये मुझे पता नहीं, पर इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड आते हैं, और ये भी अंडर ₹300। और इतनी अच्छी ब्रांड का प्रोडक्ट हमें इतने अच्छे प्राइस में मिल रहा, तो हम क्यों चीप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ले, अच्छे ही प्रोडक्ट्स लेंगे ना, क्या यार। तो नेक्स्ट मैं बात करने वाली हूँ ये ब्लू हेवन प्राइमर और ये मेकअप फिक्सर। ये मैंने ये सभी प्रोडक्ट अंडर 300 ही है। ये प्राइमर इतनी अच्छा है, मेरे बहुत सारे ओपन पोर्स है तो ये मेरे ओपन पोर्स को मिनिमाइज भी कर देता है, और मेकअप अच्छे से मेरा सेट हो जाता है। ये बेस्ट है। और ये है मेकअप फिक्सर। कोई कोई मेकअप फिक्सर की बहुत महंगे भी होते हैं ना, फिर भी उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती कि हमें ऐसा कुछ होता है, पर इसका ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम अच्छा सा है, क्वांटिटी भी अच्छी है। ये दोनों मैंने कॉम्बो में लिए थे तो भी मुझे अंडर 300 में ये दोनों प्रोडक्ट मिल गए थे, तो ये तो बहुत अच्छी डील है। कोई प्रोडक्ट होते हैं जो कॉम्बो में हमको ज़्यादा सस्ते मिलते हैं तो हमें उसको ही लेना चाहिए, किसी और प्रोडक्ट पे नहीं जाना चाहिए। इसमें से भी ब्लश लगा सकते हैं, पर किसी को अगर ये ब्लश नहीं चाहिए, किसी को लिप एंड चिक टिंट वाला ब्लश चाहिए, तो उसके लिए ये वाला बेस्ट है। ये बेला विटा का ऑर्गेनिक लिप एंड चिक टिंट है। ये बहुत ही पिगमेंटेड और बहुत अच्छा है, और ये बहुत रेडिश है, मतलब बहुत क्यूट, ऐसे गाल लगेंगे अपने, ये बहुत अच्छा है। और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ है, मतलब क्या ही चाहिए, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बना हुआ इतना सस्ता प्रोडक्ट हमको मिल रहा है,
तो हम क्यों दूसरे प्रयोग की तरफ जाएं? तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये इनसाइट का कंसीलर। ये तो अराउंड 150 के अंदर ही मिल जाता है, इतना सस्ता है ये कंसीलर। इसमें भी बहुत सारे शेड आते हैं, मैंने इसको आधा यूज कर लिया है, थोड़ा ही बचा है। देखो इतना अच्छा कंसील किया कि मैंने अभी वो लिप बाम लगाया था वो भी हाइड हो गया है, देख सकते हो। हाँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत छोटा है। छोटा होने का यही फायदा है कि कहीं पे भी इसको हम कैरी करके बैग में ले जा सकते हैं। छोटा सा प्रोडक्ट है तो हम वॉशरूम में भी जाकर लगा के आ सकते हैं फटाफट, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी ने ये वाला कंसीलर नहीं ट्राई किया तो प्लीज डेफिनेटली ट्राई करना, ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। तो नेक्स्ट मैं बात करती हूँ ये लैक्मे का ये छोटू आईलाइनर। ये आईलाइनर मेरे पास से कितने टाइम से है, पर ये पता नहीं इसके अंदर जादू है, ये खत्म ही नहीं होता, इतना चल रहा है ये। और अभी भी मैंने इससे ही लाइनर किया है, देखो कितना मस्त किया है। थैंक यू। हाँ और किसी को ब्लैक नहीं, किसी को ब्लू भी अच्छा लगता है, कोई दूसरा आईलाइनर चाहिए तो ये ब्लू हेवन का ब्लू कलर का आईलाइनर है जो भी 200 अंडर मिल जाएगा, इतना सस्ता है। और ये देखो, अरे बहुत ही अच्छा है, ये वाटरप्रूफ नहीं है पर इतना जल्दी ऐसे खराब भी नहीं होता और लॉन्ग लास्टिंग है, और इसको भी हम साथ में कैरी कर सकते हैं। ये सब हमारे छोटे कलेक्शन के छोटे छोटे प्रोडक्ट है। इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट के बारे में हम बात तो कर रहे हैं, हम कुछ लिप बाम के बारे में भी बात कर लेते हैं जो हमारे रेंज में आते हैं। तो ये निविया का लिप बाम है, ये इतना ज़्यादा फेमस है, ये सब भी हम छोटे स्कूल में बच्चे थे ना तब से इसको यूज़ करते आ रहे हैं, तो इसको तो कोई भी नहीं भूल सकता कि ये है, ये बहुत अच्छा है। और दूसरा मेरे पास ये जॉय का लिप बाम है, ये भी बहुत शाइनी ग्लोई और लिप्स को बहुत सॉफ्ट रखता है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। हाँ तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये इनसाइट की लिपस्टिक के बारे में। तो ये लिपस्टिक मुझे अंडर ₹300 में मिल गई थी। इनसाइट के प्रोडक्ट बहुत अच्छे आते हैं, वो बहुत बजट फ्रेंडली होते हैं, छोटे भी होते हैं ऐसे कंसीलर जैसे, हम इसको आराम से अपने बैग में कैरी करके कहीं पे भी लेके भाग सकते हैं। भागना नहीं है मतलब घूमने जाना है, वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये आईलैश कर्लर ये भी अंडर ₹300 का है, पर मुझे ये ऑनलाइन नहीं मिला, मैंने ये जूडियो में से मॉल में से परचेस किया है। ये ₹99 का है सिर्फ, और इसका ग्लो देखो, इसका कलर कुछ डिफरेंट है, ऐसे मल्टी कलर में है ये, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट के बारे में बात कर लिए तो मेकअप को हटाने के लिए तो भी कुछ चाहिए होगा ना, तो ये माइसिलर वाटर है, ये गार्नियर का है, इसको भी मोस्टली सभी ने यूज़ किया होगा स्टार्टिंग में, फिर आगे जाके सबको ऐसा होता है कि मैं महंगा प्रोडक्ट यूज़ करूँ, महंगा है तो अच्छा है, ऐसा है ऐसा है, पर ऐसा नहीं होता है, कभी कुछ सस्ती चीज़ और सस्ते प्रोडक्ट भी अच्छे आते हैं। तो ये गार्नियर का माइसिलर वाटर है, ये भी अंडर मुझे 200 में मिल गया था, तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ, मैं पैसे नहीं लगाती और ये मुझे अच्छा लग रहा है तो सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अगर इन इन सब के प्रोडक्ट की लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।